नमस्कार मैं डॉक्टर ममता मिश्रा हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं आज हम सब कक्षा बारह आरो भाग दो गद्य खंड के अंतर्गत दूसरे पाठ का अभ्यास करेंगे इससे पूर्व पहला पाठ भक्तिन जो कि एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जिसकी लेखिका महादेव वर्मा है को हम समझ चुके हैं उसी क्रम में दूसरा पाठ बाजार दर्शन जो कि एक निबंध विधा है इसके लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार जी हैं को आज हम समझेंगे बाजार शब्द से वैसे तो हम और आप भली भांति परिचित हैं किंतु यदि सरल शब्दों में कहें तो बाजार वह स्थल है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों मिलकर अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं प्रस्तुत निबंध में लेखक ने बाज़ार का मनुष्य के मन पर क्या असर होता है इस बात को बताते हुए उसका मनोविश्लेषण प्रस्तुत किया है साथ साथ वास्तव में बाज़ार की सार्थकता किसमें है इस एक विचार मूल्य को भी प्रस्तुत किया है निबंध को समझने से पूर्व हम संक्षेप में लेखक का जीवन परिचय उनका साहित्यिक परिचय प्राप्त करेंगे श्री जैनेन्द्र कुमार जी हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में जाने माने गद्यकार कथाकार चिंतक और मनोविश्लेषक हैं जिन्होंने गद्य साहित्य के लगभग सभी क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाई उनका जन्म 2 जनवरी 1905 में अलीगढ़ जिले के कौड़ियागंज नामक स्थान में हुआ था इनके पिता का नाम श्री प्यारेलाल और माता का नाम श्रीमती रामदेवी था जैनेन्द्र जी के जन्म के दो वर्ष बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई अतः उनकी माता एवं उनके मामा जी ने उनका पालन पोषण किया उनकी प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम हस्तिनापुर में हुई उनका नामकरण भी यहीं हुआ आरंभ में उनका नाम आनंदीलाल था किंतु गुरुकुल में अध्ययन के लिए उनका नाम जैनेन्द्र कुमार रख दिया गया 1912 में उन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया और सन उन्नीस में उन्होंने पंजाब से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की उनकी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई सन 1921 में उन्होंने विश्वविद्यालय की भी पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन से जुड़ गए 1923 में वे नागपुर चले आए और वहीं राजनैतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे उसी वर्ष उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और तीन माह की कैद के पश्चात छोड़ा गया जैनेन्द्र जी की पहली कहानी सन 1928 में खेल शीर्षक से विशाल भारत में प्रकाशित हुई सन उन्नीस में उनका पहला उपन्यास परख नाम से प्रकाशित हुआ जिस पर हिंदुस्तान अकादमी ने उन्हें पाँच सौ का पुरस्कार भी प्रदान किया जैनेन्द्र जी ने कहानी उपन्यास निबंध संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है मौलिक साहित्य सृजन के साथ साथ जैनेन्द्र जी ने अनुवाद का कार्य भी किया है उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं परख सुनीता त्यागपत्र कल्याणी विवर्त सुखदा व्यतीत जयवर्धन मुक्तिबोध आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं तो फांसी जयसंधि वातायन नीलम देश की राजकन्या एक रात दो चिड़िया पाजेब आदि उनके कहानी संकलन हैं। प्रस्तुत प्रश्न जड़ की बात पूर्वोदय साहित्य का श्रेय और प्रेय मंथन सोच विचार काम प्रेम और परिवार आदि उनके निबंध संग्रह हैं ये और वे उनका संस्मरण है मंदाकिनी पाप और प्रकाश ये दो नाटक और प्रेम में भगवान नामक कहानी संग्रह का उन्होंने अनुवाद किया है वैसे तो हिंदी साहित्य में जैनेन्द्र जी को अनेक छोटे बड़े सम्मानों से सम्मानित किया है किंतु उन्नीस में पद्म भूषण सम्मान और उन्नीस में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है अब हम निबंध की चर्चा करेंगे बच्चों यहाँ पर मैंने निबंध का सारांश प्रस्तुत किया है जिससे कि निबंध की, की कथा वस्तु निबंध का हार्द क्या है यह आपको समझने में सरलता हो पढ़कर आपको पाठ में जो विशेष बात है जो लेखक का मंतव्य है वह सरलता से समझ में आ जाए अब हम विस्तार से निबंध की चर्चा करेंगे प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन जैनेन्द्र जी द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण व लोकप्रिय निबंध है जिसमें उन्होंने उपभोक्तावाद एवं बाज़ारवाद पर गहरी चर्चा की है बाजार दर्शन पाठ के प्रारंभ में लेखक ने अपने एक मित्र के उदाहरण द्वारा एक छोटी सी घटना का उल्लेख करते हुए कहा है कि उनके एक मित्र एक मामूली सी चीज लेने बाज़ार जाते हैं लेकिन वह बहुत से बंडल खरीद कर ले आते हैं पूछे जाने पर पत्नी को दोष देने लगते हैं लेखक को इससे ऐसा लगता है कि यह पैसे की गर्मी है पैसे का पावर है उसे दिखाने के लिए मनुष्य मकान कोठी बैंक बैलेंस आदि इकट्ठा करते हैं लोग बाजार अपनी जरूरत देखकर जाते हैं बल्कि परचेज पावर देखकर जाते हैं बाज़ार लोगों को आमंत्रण देता है कि आओ खरीदो बाज़ार में खड़े होकर आदमी को ऐसा लगने लगता है कि उसके पास काफ़ी सामान नहीं है जो बाज़ार में दिखाई दे रहा है इसलिए वह बाज़ार का ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदना चाहता है इस उदाहरण द्वारा लेखक यह समझाते हैं कि यह परचेज़ पावर है पैसे की गर्मी है तो वहीं एक दूसरे उदाहरण द्वारा लेखक यह समझाते हुए कहते हैं कि उनके एक और मित्र बाज़ार गए थे और शाम को खाली हाथ लौट कर आए पूछने पर उन्होंने बताया कि बाज़ार में तो सब कुछ था लेकिन कुछ नहीं हो पाया कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ छोड़ देना मित्र कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते थे इसलिए वे बिना कुछ लिए ही वापस आ गए यहाँ पर लेखक का ऐसा मानना है कि बाज़ार में जादू है पर यह तभी असर करता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो तो ऐसी हालात में जादू का असर होता है सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाले मालूम होते हैं लेकिन जब जादू का असर ख़त्म होता है तो फैंसी चीज़ें जीवन में खलल डालने लगती हैं बाज़ार के आकर्षण से बचने का एक ही उपाय है कि बाज़ार जाओ तो मन खाली न हो जब ज़रूरत हो किसी वस्तु की आवश्यकता हो तभी बाजार जाओ सिर्फ खाली मन से बाज़ार में जाकर इच्छा के अधीन वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए इससे मनमानेपन को छूट मिलती है तो अपने दूसरे मित्र के उदाहरण द्वारा लेखक यह कहते हैं कि मनुष्य को जब भी बाज़ार जाए तो अपनी आवश्यकता की चीज़ों की एक लिस्ट बना ले और उसके आधार पर ही वह उन आवश्यक चीज़ों को खरीद कर लाए अन्यथा असमंजस की स्थिति पैदा होती है लेखक मनोविश्लेषक भी हैं इसलिए वह मानवीय सहज स्वभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि एक बार मैं सड़क के किनारे फुटपाथ पर चल रहा था ऐसे में बगल से एक चमचमाती नई बड़ी सी कार गुज़रती है उसे देखकर ऐसा मन में विचार आता है कि काश ऐसी ही बड़ी सी नई कार हमारे पास भी होती तो यह तो इच्छा है इच्छाएं अनंत हैं जो कभी समाप्त नहीं होती किंतु मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए अपने मनमानेपन को छूट नहीं देनी चाहिए इसे एक बहुत सुंदर उदाहरण द्वारा वे स्पष्ट करते हैं वे कहते हैं कि उनके पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं वे चूरन बेचने का काम करते हैं वे एक दिन में चूरन बेचकर कर आने से ज़्यादा नहीं कमाते छ आने के बाद वे चूरन बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं उनके अंदर तृष्णा और संचय की प्रवृत्ति नहीं है बिके हुए पैसों से वे बाज़ार जाकर पुनः जीरा और काला नमक खरीदते हैं इसलिए कि उसका पुनः चूरन बना सकें उन्हें पता है कि उनकी आवश्यकता क्या है इसलिए उन पर बाज़ार का जादू नहीं चलता रास्ते की फैंसी दुकानें हों या उन पर बिछी चाँदनी उनका जादू भगत जी पर नहीं चलता पैसे उनके आगे झुक झुक कर भीख मांगते हैं लेकिन भगत जी छ आने से ज़्यादा कमाने की सोच भी नहीं रखते इस प्रकार यहाँ पर वे वास्तव में बाज़ार का कल्याण करते हैं वे अपनी परचेजिंग पावर का दम्भ नहीं भरते तो भगत जी के सुंदर उदाहरण द्वारा उन्होंने मनुष्य की आवश्यकता और बाजार की सार्थकता को प्रस्तुत किया है और अंततः लेखक का ऐसा मानना है कि बाज़ार को वास्तव में वही व्यक्ति सार्थकता दे पाता है जो अपनी जरूरत को पहचानता है बाजार से दूर रहता हो कपट को बढ़ावा न दे और सद्भाव को बढ़ाए क्योंकि सद्भाव नष्ट होने पर ग्राहक और बेचक रह जाते हैं जो एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं बाजार में शोषण होने लगता है तो कपट सफल हो जाता है और निष्कपट व्यक्ति उसका शिकार बन जाता है ऐसे बाजार मानवता के लिए विडम्बना है ऐसे बाजार का जो पोषण करते हैं वह अर्थशास्त्र नहीं बल्कि शास्त्र है यह वाक्य लेखक इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थशास्त्र का कार्य है आर्थिक स्थिति को नियंत्रित रखना उसे उस व्यवस्था को बरकरार रखना जिससे कि अर्थशास्त्र सुधरा रहे लेकिन जब बाजार में ऐसे मनमानेपन को छूट मिल जाती है तब शोषण अधिक होने लगता है चीज़ें दुगनी कीमत पर मिलने लगती हैं तब वहाँ अर्थशास्त्र नहीं बल्कि अनिति शास्त्र बन जाता है इस प्रकार प्रस्तुत निबंध में लेखक ने अनेक छोटे बड़े उदाहरणों द्वारा बाजार से जुड़े मनुष्य के मनोभावों को हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है और बाजार की सार्थकता का प्रतिपादन किया है बच्चों अब यहाँ पर मैंने पाठ में आए हुए कुछ कठिन जो शब्दार्थ हैं उनको प्रस्तुत किया है शब्द छवि जिससे कि आपको उन शब्दों के अर्थ को समझने में सहायता मिले जिसमें पहला है परचेजिंग पावर अर्थात खरीदने की शक्ति असबाब यानी सामान दरकार अर्थात जरूरत परिमित यानी सीमित अतुलित जिसकी तुलना न की जा सके इसे शब्द समूह के लिए एक शब्द में भी प्रयोग कर सकते हैं पेशगी यानी कि अग्रिम राशि नाचीज अर्थात महत्वहीन अपदार्थ अर्थात जिसका अस्तित्व न हो इसे भी शब्द समूह के लिए एक शब्द में प्रयुक्त किया जा सकता है दारुण यानी कि भयंकर अकिंचितकर कर यानी अर्थहीन स्पृह अर्थात इच्छा और पशोपेश यानी असमंजस या शंका की स्थिति अब हम पाठ में आए हुए कुछ प्रश्नों की उसके उत्तर की चर्चा करेंगे जिससे कि आपको उसके स्वाध्याय में सरलता रहे पहला प्रश्न है बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है उसका उत्तर है बाजार में एक जादू होता है वह आँख की राह से काम करता है जब जेब भरी हो तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है मन खाली हो तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण पहुँच जाएगा जेब में पैसा हो तो हर सामान खरीदने को मन करता है जिससे हमारा अहम संतुष्ट होता है जब बाज़ार की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल डालती है तब तो फैंसी वस्तुएं अनावश्यक सी लगती हैं दूसरा प्रश्न है बाज़ार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है इसका उत्तर है बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का मजबूत पहलू उभर कर सामने आता है वह चूरन बेचने का काम करते हैं छह आने कमा लेने पर अपना चूरन बच्चों को मुफ्त दे देते हैं वह न तो थोक बेचते हैं और न ही व्यापारियों को बेचते हैं उन पर बाज़ार के जादू का असर नहीं होता पैसे उनके आगे होका होकर भीख मांगते हैं लेकिन उनके मन में दया तक नहीं आती बाज़ार जाकर भगत जी केवल अपने जरूरत का सामान जीरा और काला नमक ही खरीदते हैं उनके लिए चांदनी चौक का आमंत्रण व्यर्थ है भले ही वे बाज़ार के आमंत्रण में नहीं फंसते लेकिन वे वास्तव में बाज़ार को सार्थकता प्रदान करते हैं अतः हमारे मतानुसार भगत जी का आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है तीसरा प्रश्न बच्चों बाजारूपण से क्या तात्पर्य है किस प्रकार के व्यक्ति बाज़ार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है इसका उत्तर है लेखक के अनुसार बाजारूपण का अर्थ यह है कि जो मनुष्य कपट को बढ़ावा दे बाजार को सार्थकता वही मनुष्य प्रदान करता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है और जो नहीं जानता कि वह क्या चाहता है वह केवल परचेजिंग पावर के गर्व से विनाशक शक्ति से बाज़ार को तबाह करते हैं कपट बढ़ने से आपसी सद्भाव घटता है आपस में भाई, भाई भाई पड़ोसी नहीं रह जाते कपट से बाज़ार को सच्चा लाभ नहीं होता अतः बाजार उपन की प्रवृत्ति से हमें बचना चाहिए चौथा प्रश्न है बाजार किसी का लिंग जाति धर्म या क्षेत्र नहीं देखता वह देखता है सिर्फ़ उसकी क्रय शक्ति को इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना करता है आप इससे कहाँ तक सहमत हैं तो इसका उत्तर है बाजार किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग जाति धर्म या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता है उसे ग्राहक के स्त्री पुरुष काला गोरा बंगाली मराठी हिंदू मुसलमान आदि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता बाज़ार में हर व्यक्ति ग्राहक होता है बाजार को सिर्फ सामान बेचना होता है जिसके पास सामान खरीदने के पैसे हों बाजार उसे ही प्राथमिकता देता है अतः बाजार को ग्राहक के लिंग जाति धर्म या नैतिकता के आधार पर कुछ लेना देना नहीं होता है अब यहाँ पर पाठ में आए हुए कुछ पाठ के आसपास के प्रश्न हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे पहला प्रश्न है बाजार दर्शन पाठ में बाज़ार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए पहली स्थिति मन खाली हो मन खाली न हो मन बंद हो और मन में नकार हो तो इसका उत्तर लेखक ने क्रमशः इस प्रकार समझाया है पहली स्थिति मन खाली हो जब मनुष्य का मन खाली होता है तो बाज़ार में अनाप शनाप खरीदारी की जाती है बाजार का जादू सिर चढ़कर बोलता है एक बार लेखक मेले में घूमने गए वहाँ की चमक दमक आकर्षक वस्तुएं उन्हें न्यौता देती प्रतीत हो रही थी रंग बिरंगी लाइटों से प्रभावित होकर उन्होंने एक महंगी ड्रेस खरीद ली लाने के बाद पता चला कि यह आधी कीमत पर फुटपाथ पर मिलती है दूसरी स्थिति की चर्चा करते हुए लेखक कहते हैं मन खाली न होना मनुष्य का मन जब खाली न हो तो वह अपनी इच्छित चीज़ खरीदता है उसका ध्यान अन्य वस्तुओं पर नहीं जाता वे घर में ज़रूरी सामान की लिस्ट बनाकर बाज़ार जाते हैं और सिर्फ उन्हें ही खरीदकर लाते हैं अन्य चीज़ों को देखते ज़रूर हैं पर ख़रीदारी नहीं करते जिसकी उन्हें आवश्यकता न हो तीसरी स्थिति है मन बंद होने की इसकी चर्चा करते हुए लेखक कहते हैं मन बंद होने पर इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं वैसे तो इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती परंतु कभी कभी मन स्थिति ऐसी हो जाती है कि किसी वस्तु में मन नहीं लगता एक दिन मैं बहुत उदास था और मुझे बाजार में किसी वस्तु में कोई दिलचस्पी नहीं थी अतः मैं बिना कहीं रुके बाजार से निकल आया चौथी स्थिति है मन में नकार भाव होना इसकी चर्चा करते हुए लेखक कहते हैं मन में नकारात्मक भाव होने से बाजार की हर वस्तु ख़राब दिखाई देने लगती है इससे समाज इसका विकास रुक जाता है ऐसा असर किसी के उपदेश या सिद्धांत का पालन करने से होता है एक दिन एक साम्यवादी ने इस तरह का पाठ पढ़ाया कि बड़ी कंपनियों की वस्तुएं मुझे शोषण के रूप में दिखाई देने लगी इस प्रकार उपर्युक्त चारों स्थितियों का उन्होंने अलग अलग उदाहरणों द्वारा वर्णन किया है और हमें समझाने का प्रयास किया है दूसरा प्रश्न है बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं या मानती हैं इसका उत्तर है कि इस पाठ में प्रमुख रूप से दो प्रकार के ग्राहकों का चित्रण निबंधकार ने किया है एक तो वे ग्राहक जो ज़रूरत के अनुसार चीज़ें खरीदते हैं और दूसरे वे ग्राहक जो केवल धन प्रदर्शन के लिए चीज़ें खरीदते हैं ऐसे लोग बाज़ारवादी संस्कृति को ज़्यादा बढ़ाते हैं हम स्वयं को पहले प्रकार का ग्राहक मानते हैं क्योंकि इसी से बाज़ार की सार्थकता है तीसरा प्रश्न है आप बाज़ार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे मॉल की संस्कृति सामान्य बाज़ार और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं परचेजिंग पावर आपको किस तरह से बाज़ार में नज़र आती है समझाइए इसका उत्तर इस प्रकार है पहली मॉल की संस्कृति मॉल की संस्कृति से बाज़ार को परचेजिंग पावर में बढ़ावा मिलता है यहाँ पर उच्च वर्ग के अथवा उच्च मध्यम वर्ग के लोग जाते हैं यहाँ एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं तथा चकाचौंध व लूट चरम सीमा पर होती है यहाँ पर बाजारूपन भी उफान पर होता है वहीं सामान्य बाजार में मनुष्य की जरूरत का सामान अधिक होता है शोषण कम होता है और आकर्षण भी कम होता है यहाँ ग्राहक व दुकानदार दोनों में सद्भाव होता है यहाँ का ग्राहक मध्यम वर्ग का होता है तीसरी है हाट संस्कृति जिसमें निम्न वर्ग का या ग्रामीण परिवेश का ग्राहक होता है इसमें दिखावा नहीं होता तथा मोलभाव भी नाम का है परचेजिंग पावर में मोल संस्कृति अधिक नजर आती है क्योंकि यहाँ अनावश्यक सामान अधिक खरीदे जाते हैं इस प्रकार इन तीनों ही संस्कृतियों में अलग अलग अंतर है चौथा प्रश्न है लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है आप इस विचार से सहमत हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए इसका उत्तर है आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति अपेक्षित वस्तु हर कीमत पर ख़रीदना चाहता है वह कोई भी कीमत देकर उस वस्तु को प्राप्त कर लेना चाहता है इसलिए वह कई बार शोषण का शिकार भी हो जाता है बेचने वाला तुरंत उस वस्तु की कीमत मूल कीमत से ज़्यादा बता देता है इसलिए लेखक ने ठीक ही कहा है कि आवश्यकता ही कभी कभी शोषण का रूप धारण कर लेती है पाठ का पांचवा और अंतिम प्रश्न स्त्री माया न जोड़े यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थितिवश है वे कौन कौन सी परिस्थितियाँ होंगी जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती हैं इसका उत्तर है यहाँ माया शब्द का अर्थ है धन या जरूरत की वस्तुओं से आम तौर पर स्त्रियों को माया जोड़ते देखा जाता है इसका कारण उनकी स्थितियाँ हैं जो निम्नलिखित हैं माया अर्थात धन या पैसा और जोड़ना यानी बचत करना तो स्त्री पैसे की बचत इन उपरोक्त स्थितियों को ध्यान में रखकर करती है वे हैं आत्मनिर्भरता की पूर्ति घर की ज़रूरतों को पूरा करना अनिश्चित भविष्य अहम भाव की तुष्टि बच्चों की शिक्षा और संतान के विवाह हेतु इन स्थितियों में स्त्री पैसे की बचत करती है जिससे कि जरूरत पड़ने पर इन तमाम स्थितियों से वह निपट सके तो यहाँ पर स्त्री की माया जोड़ने का भाव स्त्री की धन या पैसे की बचत करने से है इस प्रकार प्रस्तुत निबंध में हमने निबंध का जो हार्द है उसे समझते हुए लेखक का परिचय निबंध का सारांश कठिन शब्दार्थ और पाठ के विशेष प्रश्नों की चर्चा की बच्चों आशा करती हूँ पाठ आपको समझ में आया होगा और इसे समझने के साथ साथ इसके प्रश्नोत्तरों को भी आप सरलता से आत्मसात कर पाएंगे इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद